इन दिनों सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है, जिसकी एक बानगी यह ट्वीट है, जिसमें इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, पीएम पद की गरिमा इस तरह से खत्म कर दी जाएगी। मूर्ख मोदी से यही उम्मीद थी, एक नन्ही सी बच्ची को अच्छी तरह से पाठ पढ़ा कर लाना और अपनी गोद में उठाकर अपशब्द बुलवाना एक नीच ही कर सकता है। दरअसल इस वीडियो में पीएम मोदी एक बच्ची से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू बुलवाते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, जब बच्ची राहुल गांधी को पप्पू बोल देती है तो वो उसे शाबाशी भी देते हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद मोदी के सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों किया, आखिर इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। सोशल मीडिया और फेक न्यूज के इस दौर में कुछ भी मुमकिन है, इसलिए इस वीडियो की हकीकत जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल की। आपको बता दें कि वीडियो में पीएम मोदी किसी समारोह के मंच पर एक बच्ची को माइक के पास ले जाते हैं और उस बच्ची से राहुल गांधी पप्पू बोलने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो बच्ची राहुल गांधी पप्पू है बोल देती है, जिसके बाद मोदी उस बच्ची को शाबाशी भी देते हैं। लेकिन ये जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इस वीडियो की पड़ताल करने के बाद हमें पता चला कि इसमें जो दिख रहा है उसमें सच्चाई तो है, लेकिन जो सुनाई दे रहा है वो किसी की करतूत है। मतलब यह कि इसके ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, जबकि असली वीडियो में बच्ची पीएम मोदी के कहने पर रामायण का पाठ करती है, ना कि राहुल गांधी को पप्पू कहती है। इस दौरान राहुल गांधी को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। आपको बता दें कि वीडियो 2 साल पुराना है, जब पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर 2016 में नवसारी में रैली की थी। आप भी इसका असली वीडियो भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे पड़ताल में मोदी द्वारा बच्ची से राहुल गांधी को पप्पू कहलवाने का यह वीडियो झूठा साबित हुआ। हमारी आपसे भी गुजारिश है कि किसी भी वीडियो की सच्चाई जाने बगैर उसे लाइक और शेयर बिल्कुल ना करें।